मुझे तो कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी जी इतने बड़े इंजीनियर थे, वेस्ट इंजीनियर थे उनके बाबा राजीव गांधी जी, उनका बेटा कैसे है, ये संदेह होता है कभी कभी मुझे। इलेक्शन खत्म, शाहीनबाग खत्म, और चाहे मतलब शाहीनबाग एक मुद्दा बनाया गया, कीजिएगा बाप रे बा, आएगा सीए जी, वो तो आना ही आना है, दैट इज फाइनल। हमारे दिल्ली की जनता लोभ में फंस चुकी है और वो कामयाब रहे अरविंद केजरीवाल लोगों को फंसाने में। क्यों, क्या विकास हुआ दिल्ली में आप बताइए? मैं 25 वर्षों से दिल्ली में रहता हूँ, मैं मुझे तो नहीं लगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी ने जो कल बयान दिया शहीद दिवस को लेकर कि किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ इससे, तो इस पर आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ इस तरह की राजनीति इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपना अस्तित्व बता सके, क्योंकि कांग्रेस तो का तो पतन हो चुका है पूरी तरीके से। आपके चैनल के माध्यम से राहुल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी दादी जब शहीद हो गई तो उनको इससे क्या फायदा मिला? उनके पापा राजीव गांधी मर गए, शहीद हो गए, तो उनसे किसको फायदा हुआ? ये सवाल करना कि फायदा और नुकसान किसी शहीद व्यक्ति का, फायदा नुकसान की सवाल करना, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी जी इतने बड़े इंजीनियर थे, वेस्ट इंजीनियर थे उनके बाबा राजीव गांधी जी, उनका बेटा कैसे है, ये संदेह होता है कभी कभी मुझे। और पूछिए आगे सर। मैं शाहीनबाग के लोग चिल्ला रहे हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम देश बचाने निकले हैं। किससे बचा रहे हैं देश? देखिए, देश के जो गार्जियन होते हैं वो ऑल इन फादर होते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गॉड इज फादर, वैसे ही हमारे गार्जियन, किसी भी घर का जैसे गार्जियन होता है वैसे एक देश का गार्जियन होता है, जिसको मोदी जी को फादर ही मान लीजिए आप। उन्होंने फैसला किया है कि हमारा CAA लागू होगा, तो उन्होंने सही किया है, और अकेले नहीं किया, अमित शाह जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये CAA हमारे देश विरोधी नहीं है, इसमें मुसलमान कहीं इस्लाम खतरे में नहीं है। उसके बाद बात समझ में नहीं आ रही है तो उनको कौन समझाए? कुछ लोग होते हैं ना, थेथर होते हैं, जिनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, वो बात मानेंगे सबका लेकिन झूरी उनका वहीं रहेगा। इनका दर्द दर्द है, शाहीनबाग में जितने भी लोग बैठे हैं वो ये बोलकर बैठे हैं कि हमारी नागरिकता को दिक्कत है, हमारी नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है, हम पेपर लेके नहीं लाइन में खड़े होंगे, ठीक है। देखिए, इनका कोई दर्द नहीं है, इनका कोई दर्द नहीं है, दर्द इस बात की है कि हिंदू जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है, और मुसलमान को क्यों नहीं प्रताड़ित बुलाया जा रहा है? सर, कश्मीरी पंडित की मैं बात करूँ तो उनका दर्द क्यों नहीं दिखता? 30 साल बाद वो सामने आ रहे हैं, वो लोग जो अपनी घाटी छोड़कर आए, जो शाहीनबाग में बैठे हैं, वो आपको लगता है किसी के दर्द से उनको कुछ दूर दूर तक लेना देना है? इन लोगों को जो शाहीनबाग में बैठे हैं, इनको किसी के दर्द से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने ही दर्द सुनाते हैं और वो बातें सुनाते हैं जिसका कोई तुक नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। हमारे देश के जो मुसलमान भाई है वो जब हज करने जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो उनको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो एयरपोर्ट पर वो पासपोर्ट दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं कि नहीं? तो यहाँ भी दिखाना चाहिए उनको। बात यह है कि हम लोग जब हिंदी लिखते हैं तो राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन वो जब उर्दू लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट से ही लेफ्ट से ही राइट की तरफ आते हैं, तो उनकी भाषा ही उल्टी होती है, तो बात समझ में आती नहीं है उनको। जब भाषा ही उल्टी है तो समझ क्या आएगी, आप बताओ ना, समझ आनी भी तो चाहिए। ये कहीं ना कहीं विपक्ष का खेल तो नहीं है, क्योंकि वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट रहे हमेशा। विपक्ष कामयाब रही जनता को बलगलाने में। एक आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से फंसना नहीं, लेकिन कबूतर और जाल कहानी का नाम है। तो कबूतर बोलते रहते थे, सभी के सभी बोलते रहते थे, यही वर्ड को दोहराते रहते थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं, और फिर भी फंस जाते थे। तो देश की जनता, हमारे दिल्ली की जनता लोभ में फंस चुकी है और वो कामयाब रहे अरविंद केजरीवाल लोगों को फंसाने में। क्यों, क्या विकास हुआ दिल्ली में आप बताइए? मैं 25 वर्षों से दिल्ली में रहता हूँ, मैं मुझे तो नहीं लगा। शीला दीक्षित की सरकार थी, 15 साल में काफ़ी विकास हुआ यहाँ, तो उनको ठुकराया नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता। बट केजरीवाल साहब के 5 वर्षों में कुछ काम नहीं हुआ। हाँ, अब वो कामयाब रहे। शाहीनबाग क्या है, आज देखिए शाहीनबाग में जितने लोग थे, जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ था, क्या आज उतने लोग हैं? नहीं है, क्योंकि वो था ही, वो इलेक्शन का फंडा था, वो इलेक्शन खत्म, शाहीनबाग खत्म।
और चाहे मतलब शाहीनबाग एक मुद्दा बनाया गया कीजिएगा, बाप रे बा आएगा सीए जी, वो तो आना ही आना है, दैट इज फाइनल।